आज हम बनाएंगे क्रीमी स्ट्रीट स्टाइल कुल्हड़ पिज़्ज़ा जो आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगा। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। क्विक एंड सर्व चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इसके लिए गैस पर रखेंगे पैन, उसे लो मीडियम फ्लेम पर रखना है और उसमें एक छोटा चम्मच अमूल बटर डालेंगे। 100 ग्राम पनीर को छोटे छोटे पीसेस में कट करके डालेंगे। एक प्याज बारीक कटा हुआ, आधी शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, एक टमाटर जिसके बीज निकाल कर बारीक पीसेस में डालेंगे, एक छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स, एक छोटा चम्मच ऑर्गेनो, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच नमक, 2 बड़े चम्मच पिज़्ज़ा सॉस, 2 बड़े चम्मच मेयोनीज। लो मीडियम फ्लेम पर हमें इसे रखना है और फिर 2 ब्रेड को छोटे छोटे पीसेस में कट करके डालेंगे। सब्जी आप अपनी पसंद की कोई भी डाल सकते हैं। एक छोटा चम्मच टोमेटो सॉस का डालेंगे, एक चीज स्लाइस डालेंगे। 1-2 मिनट चलाने के बाद गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। अब हम लेंगे कुल्हड़ जो हमने फिलिंग तैयार की थी, उसे इसमें अच्छे से भरेंगे और उसके ऊपर हम अपनी चीज रखेंगे और फिर जो हमने अपनी फिलिंग तैयार की थी वो रखेंगे और इसे क्रीमी बनाने के लिए चीज़ रखेंगे और स्प्रिंकल करेंगे काली मिर्च और चिली फ्लेक्स को। अब हम कुकर को प्रीहीट करेंगे। पहले थोड़ा सा नमक डालेंगे, स्टैंड रखेंगे और ढक्कन को उसमें कवर करके 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर रख देंगे और फिर अपने पिज़्ज़ा जो कुल्हड़ रखे हैं उसको रखेंगे और फिर इसे ढक देंगे। 5-7 मिनट लो फ्लेम पर चेक कर लेंगे। जब हमारी चीज़ मेल्ट हो जाए तो इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। लीजिए, हमारी क्रीमी स्ट्रीट स्टाइल कुल्हड़ पिज़्ज़ा बनकर तैयार है। यकीन मानिए, आपके बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें और हंसाते रहें।